वेलकम टू कैंप्स देसी किचन। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और हमारे लेटेस्ट वीडियोस से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम आपके लिए पिज्जा बेस लेकर आए हैं, जिसको घर पर बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है। घर पर बनी चीजें बाजार की अपेक्षा शुद्ध और स्वादिष्ट होती हैं। पिज्जा बेस बनाने के लिए हमने मैदा, सूजी, नमक, तेल, चीनी और ईस्ट लिया है। अब हम किसी बड़े बर्तन में मैदा डालकर इसमें आधा चम्मच नमक, दो चम्मच तेल, दो टेबल स्पून सूजी मिलाएंगे। और एक से डेढ़ चम्मच ईस्ट में दो चम्मच चीनी डालकर 5 चम्मच पानी मिलाकर 4 मिनट रख देंगे। और इस मैदा को मिलाकर तैयार किए हुए ईस्ट को अच्छे से मिलाकर पानी डालते हुए सॉफ्ट सॉफ्ट आटा गूंथ लेंगे। फिर इस पर हल्की चिकनाई लगाकर 2 घंटे के लिए सर्दियों के मौसम में गर्म कपड़े से ढककर और गर्मियों के मौसम में ऐसे ही कपड़े से ढककर रख देंगे। 2 घंटे में ये आटा फूलकर सेट हो जाएगा। देखिए, ये हमारा आटा तैयार है। अब इसकी हम लोई बनाकर बेल लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, अब हम इस रोटी को इस तरह से गोदकर 2 घंटे के लिए कपड़े से ढककर रख देंगे। दो घंटे बाद रोटी को तैयार करने के लिए इस ट्रे में चिकनाई लगाएंगे और इस रोटी को इस तरह से रखकर माइक्रोवेव में रखेंगे। माइक्रोवेव को हमने 5 मिनट पहले 200 सेंटीग्रेड पर प्रीहीट कर लिया था। अब हम इसको 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 8 मिनट के लिए बेक होने रख देंगे। हर माइक्रोवेव का अलग सिस्टम होता है, इसको आप अपने अनुसार मिनट सेट कर लें। देखिए, अब ये घर पर बना पिज्जा बेस तैयार है। प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।